चलो राजमा चावल तो मैं ले आई, लेकिन आज दीदी को अलग स्टाइल में खिलाती हूँ। मैंने प्लेट ले ली है, अब इसमें चावल भर देती हूँ। दीदी भी ना मेरी बहुत तारीफ करने वाली है आज। ऐसे खाना खिलाऊंगी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे यार ये तो चावल बहुत स्टिकी हो गए हैं, मजा आएगा आज तो। भाभी खाना लगा दो। हाँ मैं आप ही की प्लेट बना रही हूँ। बना रही हूँ मतलब, अरे आप देखो तो ऐसी डिश तैयार कर रही हूँ कि आपने 5 स्टार में भी नहीं खाई होगी। आप लंदन भी तो गई हो ना? हाँ हाँ वहाँ मैंने सब कुछ खा रखा है। और ये क्या है, पापड़ भी करे? गुड। ये देखो ये देखो, आपके लिए मैं डिश रेडी कर रही हूँ। ये आप क्या कर रहे हो सच बताओ? थोड़ा सा खराब हो गया लेकिन अच्छा होगा। देखो आप मुझे नॉर्मल सर्व कर दो, मैं ऐसे खा लूंगी। अरे नहीं दीदी, यही तो स्टाइल है। अरे वाह क्या खुशबू आ रही राजमा चावल की। लंदन जब मैं भी गई थी ना तो ऐसे ही राजमा चावल खाए थे मैंने। पर आप तो कभी लंदन नहीं गई। यूएस यूएस वही तो, इनका तो पासवर्ड मैंने सही से चेक करा हुआ है। हे भगवान, ये दोनों फिर से यहाँ बैठी हैं और देखो तो कितनी बड़ी बड़ी गप मार रही हैं। लंदन और यूएस, कभी शहर से भी बाहर नहीं गई हैं दोनों। मैं एक काम करता हूँ, निकल लेता हूँ राजमा चावल के चक्कर में। इनके पास बैठ कर मेरा मेंटल टॉर्चर हो जाएगा। वैसे भी एक बात तो है, शादी के बाद ना लड़का ही फंसता है, इधर बीवी इधर बहन ऊपर माँ। कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसी प्लेट आपने कहीं नहीं खाई होगी जो मैं आपके लिए बना रही हूँ। बढ़िया ही, बहुत अच्छी प्लेट लगाने वाली, जैसे कि मैंने खाई नहीं है, हर चीज खा रखी है मैंने इस दुनिया में। ये तो मेरे हाथ चूमती रह जाएंगी इसको खाने के बाद। मन में मत सोचो, जल्दी बनाओ। बना रही हूँ। परफेक्ट, आपकी प्लेट बिल्कुल तैयार है, अच्छे से खाओ। ऐसे ही 5 स्टार में खाते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये क्या किया आपने, तो मेरी रेसिपी खराब कर दी। ऐसे ही खाते हैं क्या, पागल बनती है ये सब 5 स्टार की नौटंकी है, ऐसे खाते हैं खाना। चलो मेरी रेसिपी मेरी ड्रेसिंग की कोई तारीफ ही नहीं है दीदी। ड्रेसिंग अपनी वैसी ड्रेसिंग सही करो, बढ़िया प्लेटिंग ठीक करने वाली। नमक दो। हाँ ये लो नमक। अचार नहीं इस घर में? ये लो अचार। ये कैसा अचार है? ये मिक्स अचार है। सब दिला देती है मुझे। आइंदा से ये नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगी, किसी और को इम्प्रेस करना। और हाँ मन में ये मत सोचना कि मम्मी इम्प्रेस हो जाएंगी, मम्मी तो आपको क्या मना करेंगी ये सब नहीं करना। ठीक है, मैंने ना ये सीखा था कहीं से, सोचा उसकी तरह बनाऊंगी लेकिन फेल हो गई। अरे आपने तो बोला था आपने यूएस में खाया ऐसे। यूएस में ही जब मैं बैठी थी तो एक रील भी आई थी और इतने में ही मेरी प्लेट भी आ गई थी, ये सब हुआ था उस दिन। राम राम राम, झूठ मुझसे तो बोल सकती हो लेकिन भगवान से नहीं, भगवान देख रहे हैं। खा लो चुपचाप, वास करवा लो पूरा दिन। मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, खा लेती हूँ अब मैं भी, टाइम ज्यादा हो गया है। अब आप भी खाने लगी हाथ से? लेकिन ऐसे ही खाया जाता है, मैं जब लंदन में थी ना तो हाथ से ही खाती थी। आसपास के लोग मुझे देखते थे पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा मैंने तो 2-3 अंग्रेज को भी सिखा दिया कि ऐसे खाओ। अंग्रेज भी हाथ से खाते हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से। ठीक है तो अब मैं भी हाथ से खाया करूंगी, ये सब फालतू बनती है क्या, चम्मच से खाना है ऐसे खाना है वैसे खाना है, असली मजा तो हाथ से खाने में, और वो भी नीचे बैठ के। तो ऊपर की बैठी आप, नीचे बैठी हुई तो थी, बैठ जाओ नीचे, बैठो बैठो बैठो। हाँ ऐसे खाओ, मुझे हाथ से पसंद है पर नीचे बैठ के नहीं, चुपचाप खा लो आप। चुपचाप ही खा रही हूँ, आवाज तो ये कर रही है, बात बात पे मेरी बेइज्जती करती रहती है, बस कोई काम नहीं है माँ बेटी को, हर टाइम मेरी बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। क्या मुझे गुस्से से देख रही हो? बता दूंगी सही से।